गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश 2 यूनिट नंबर 27 कंपैरिजन का पार्ट नंबर 1 है। तो कंपैरिजन क्या है? क्योंकि तो कोई भी दो थिंग्स होगी, ठीक है, तो उसके लिए कोई एक चीज के लिए क्या परफेक्ट है और वही चीज दूसरे के लिए क्या परफेक्ट है, वो हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहले उसकी एक्सरसाइज है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स सप्लाई इन द लिस्ट बिलो। तो हमें ब्रैकेट में कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर से ही हमें जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। तो चलो पहले देखो, द टाइगर, अ टाइगर इज टू एनिमल्स। टाइगर है वो क्या है? एनिमल है। तो व्हाट लिली इज टू फ्लावर्स, तो लिली क्या है? फ्लावर। तो ये दोनों की ऐसे कंपैरिजन है। अब देखो, अ हाउस इज टू अस, हमारे लिए क्या है? घर। देन व्हाट अ ब्लैंक, एक मिनट, देन व्हाट अ ब्लैंक इज टू बर्ड्स, तो बर्ड्स के लिए क्या हो सकता है? नेस्ट। तो ये सारी ब्लैंक्स ऐसी ही है, ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है। चलो फर्स्ट ब्लैंक लिखो, हेडिंग लिखो पहले, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड। मैम शिवा प्लीज चेंज कर रही है। Using the word supplied in the bracket. ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आंसर लिख पाई रही हूं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं होगा कि ऐसी एक कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी और उसके नीचे सारी की सारी ऐसी ब्लैंक, ऐसे नहीं होगा। एक ब्लैंक होगी, फिर उसके बाजू में इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी, डू एज डायरेक्टेड ही होगा, ठीक है। लिखो फर्स्ट, टाइगर इज टू एनिमल्स वॉट होगा लिली, वो लिली इज टू फ्लावर, यानी कि लिली जो है वो फ्लावर है। सेकंड, अ हाउस इज टू अस, व्हाट अ ब्लैंक इज टू अ बर्ड, तो इसका तो बोला ही था नेस्ट। नेक्स्ट, डोंट टॉक, थर्ड, बार्क इज टू ट्रीज, what blank is to us. Now we have the answer, bark is to trees, what blank is to us? Skin. Very good. Bark kya hai? बार्क क्या होती है पता है? मतलब वो ट्री है ना, ट्री होता है जो उसके ऊपर जो हम निकाल सकते हैं, वो उसका क्या बोलते हैं, ट्रंक होता है उसका, उसके ऊपर उसकी स्किन लगी हुई होती है, उसको बार्क, ब्राउन कलर की जो होती है उसको हम बार्क बोलते हैं। तो
तो ट्री के लिए वो बार्क है तो हमारे लिए वो स्किन है। फोर्थ, अ ब्लैंक इज टू डॉग। What a sky is to pig. तो यहाँ आंसर है कैनल। लोग का घर होता है उसको कैनल बोलते हैं, और स्टे यानी पीक जहां रहता है वो, ठीक है। फिफ्थ, पेशेंट्स आर टू अ डॉक्टर। लिखो, पेशेंट्स आर टू अ डॉक्टर व्हाट आर टू अ लॉयर। नाउ पेशेंट्स आर टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के लिए पेशेंट्स, तो लॉयर के लिए क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मैम बहुत लाइट भी खराब है, दिख नहीं रहा लाइट चालू। लाइट कहाँ से बंद कर दो, पीछे वाले नहीं, ये आगे वाली बन। पीछे से होगी, पीछे से। हां सॉरी मैम, एक मिनट मैम, आगे खाली जा रहा था। मैम मैम आगे आ जा, इधर से एक फिर भी लाइट ही दिख रहा है, ये विंडो क्या है नहीं ज्यादा आ रहा है। अरे यार ये ऐसा कैसे चलेगा, थोड़ा सा तो दिखता है। ये लाइट है ना प्रकाश की सबसे। कोई कपड़ा है किसी के पास? कपड़ा वही चूड़ी जैसा है, वही आपके गलत है, आपके गलत है। ये थोड़ी मैं निकाल दिया इसके हिसाब से ही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं चलो क्या करो। ये साइड करो, बिल्कुल नहीं दिख रहा। उस क्लास में बैठ थी, टेंथ वाली क्लास। हाँ साइड प्लीज मैम, मैं बैठ हूँ। कुछ भी नहीं, मेरे बैग में भी नहीं है, नहीं तो मैं भी मंगवा देती हूँ। तुम दोनों तो आगे रोज आ जाते हो यहाँ पे। मैम गलत पुराना रखा है तो दिखता नहीं, बीच में मेरे को कहाँ देते हैं। अब उसे तेरा सर काटना है, तेरा चोक नहीं है मैम? ड्रॉर का, ड्रॉर कहाँ है? ड्रॉर ही नहीं है। Now, then, good clean.
Goosling. A goosling is to a goose what a duckling is to a duck. गूस के बच्चे का नाम है गुगलिंग और डब के बच्चे का नाम है डगलिंग. सेवन और ड्राइवर इज टू अ कार व्हाट अ ब्लैंक is to a horse. Now tell me. Driver is to a car what a rider is to a horse. So agar aisi blanks hogi just to come आप अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में. एग्जाम में ये होगा ब्रैकेट नहीं दूंगी मैं एग्जाम. Bangalore is to
Bombay is to blank what? Bangalore is to Karnataka. Maharashtra. Maharashtra. What is your name? Pratna. Stand up. Ah, you. तू नहीं है वाले पहले नहीं आती थी स्कूल मैंने तो पहली बार देखा तुझे नाम खुशी खुशी लास्ट बेंच खुशी खुशी तू भी खुशी ये भी खुशी खुशी है बोलो दिख नहीं रहा तो इस तरफ यहाँ वो खुशी है ना और दो खुशी के बीच में आ जा जा बीच में बैठ जा जा सेकंड लास्ट बेंच पे बैठ जा तो इस यहाँ तू अंदर चली जा तू बाहर बैठ जा यहाँ आके बैठ जा यहाँ दिख रहा है तो बोलना मत कि मुझे नहीं दिख रहा है Is to she? What a blank is to cows? वहाँ लिखेंगे cow herd. What?
और पेशेंट इज टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं तो ऑर्फनेज में ऑर्फन होते हैं। ऑर्फनेज मीन अनाथ आश्रम, तो अनाथ आश्रम में अनाथ लोग ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेसन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। ओके 27 ही तो बोली मैं। ओके चलो 27। अरे यार ये कैसे।